प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? यकीनन आप बहुत अच्छा सा काम भी कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे काम घर के दूसरे भी कर रहे होंगे। आप जैसा कि हम जानते हैं कि लकी लीफ की जो है वो हम रीडिंग और ट्रांसलेशन बहुत अच्छी सी कर चुके हैं और आपने इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस भी की होगी यकीनन। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। इसमें बहुत ही प्यारी सी चीज़ें जो हैं वो पूछी गई हैं। इसमें इंक्वायरी है। इंक्वायरी ये है कि आपने जो कुछ पढ़ा है क्या आप उसका आंसर दे सकते हैं? यकीनन आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि आपने रीडिंग बहुत अच्छी की है और उसकी जो है ट्रांसलेशन को अच्छा सा समझा है। तो अब आपके लिए कोई परेशानी और कोई मसला नहीं है कि आप इसके आंसर ना दे सकें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हमारा पहला बनता है, व्हाट डज रहीला लूज? रहीला क्या चीज़, रहीला की क्या चीज़ गुम हो जाती है, क्या चीज़ लूज करती है? ठीक है, रहीला की क्या चीज़ गुम होती है ये हमें बहुत अच्छे से पता है। हमारी स्टोरी में सबसे जो अहम पॉइंट है ये डिस्कस किया गया है कि रहीला की एक चीज़ जो है वो गुम हो जाती है। वो आपने खुद बताना है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके करना है। और पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है कि वो बच्चों से क्वेश्चन करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे बच्चों के लिए उतना ही बेहतर है। वेयर डज रहीला सिट? रहीला कहाँ पे जाके बैठ जाती है जब उसकी जो है बेंगल जो है वो गुम हो जाती है, तो उसके बाद वो कहाँ जाके बैठ जाती है? व्हाट डज रहीला डू? अब बेटा ये देखें, अब रहीला पांच तरह के काम इस यूनिट में करती है। ठीक है, इस स्टोरी में उसके पांच काम हैं वो आपने बताने हैं, लेकिन जो आपने नोटबुक में काम करना है वो वाला करना है जो नोट्स में आपको हेल्प दी गई है। ठीक है, लेकिन वैसे ओरल डिस्कशन में, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन में आपने बताना है कि पाँच तरह के काम जो है रहीला करती है वो कौन कौन से हैं। ये पाँच आपने पॉइंट आउट करने हैं उनके साथ, बेशक नंबरिंग भी कर रहे हैं 1 2 3 4 5। वेयर डज द लीफ फ्लाई? लीफ कहाँ फ्लाई कर रहा होता है? ठीक है, ये आपको अच्छा सा पता है कि लीफ जो है वो हमारा कहाँ फ्लाई करता है। हमारी एक हीरोइन तो जो है रहीला है, दूसरा हीरो जो हमारा है वो लीफ है। ठीक है, वेयर डज द लीफ फॉल? लीफ गिरता जाके कहाँ पे है? ठीक है, पहले तो वो फ्लाई करता रहता है फिर जाके गिर जाता है, तो वो कहाँ पे जाके गिरता है? वाई डज रहीला लाफ? रहीला हंसती है। जी बिल्कुल हंसती है, स्टोरी के एंड पे हंसती है, क्योंकि पहले वो परेशान होती है बाद में खुश हो जाती है। तो क्यों हंसती है ये भी आपने बताना है, और ये भी हमारा स्टोरी का जो है वो रिजल्ट है कि क्यों हंसती है। ठीक है, इतनी पूरी स्टोरी के बाद हमें पता चलता है कि रहीला को कोई चीज़ अपनी गुम हुई मिल जाती है तो वो फिर हंसती है। आपने इसको एक्सप्लेन करना है, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये तो मैं कोशिश करूँ कहने की, ये कोशिश करती हूँ कि आप जो है इसको पेरेंट्स के बगैर खुद कोशिश करें कि इसमें है क्या। लुक एट द पिक्चर इन द लेसन। सबसे पहले तो जो पिक्चर्स इतनी खूबसूरत सी दी गई हैं लेसन में, उनको देखें, बहुत अच्छा से देखें, बार बार देखें। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर इसके ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ये जो पांच क्वेश्चन तकरीबन पूछे गए हैं, इनके आपने आंसर खुद से देने की करनी कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर ऑन द रोज बुश? ठीक है, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, गाइडलाइन दे देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये रोज़ बुश है और कितने फ्लावर्स इसके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, ये आपने काउंट कर रहे हैं और इसके आगे जो है आंसर जो है आपने दे देना है। ठीक है, देयर आर डैश फ्लावर्स ऑन द रोज बुश। ठीक है, देर आर डैश फ्लावर्स ऑन द रोज बुश। ठीक है, ये आपने अब आंसर देना है वहाँ से काउंटिंग करने के बाद। हाउ मैनी वुड एप्पल्स आर देयर ऑन द ग्रास? हाउ मैनी वुड एप्पल्स आर देयर ऑन द ग्रास? आप आपने देखना है कि स्टोरी में एप्पल कितने हैं वो आपने बताने हैं। यहाँ पे आगे इसका आंसर जो है वो आपने लिखना है। ठीक है, हाउ मैनी बैंगल्स डज रहीला हैव? अब आपने रहीला की पिक को देखना है, पिक्चर को देखना है, और देखना है इसके जो है रिस्ट पे कितनी ज़्यादा, कितनी सारी जो है चूड़ियाँ उसने पहनी हुई हैं वो आपने काउंट करनी है, यहाँ पे इसका जो है आंसर दे देना है। ठीक है, आगे, हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ब्रांचेस? वो जो एप्पल ट्री है उसके ऊपर कुछ बर्ड्स बैठे हैं वो भी आपने काउंट करे हैं, वहाँ वहाँ उनका आंसर जो है यहाँ पे आपने लिखना है। हाउ मैनी पॉट्स आर नियर द वॉल इन द पिक्चर ऑन द पेज 13? पेज 13 पे बेटा कुछ जो है फ्लावर्स पड़े हुए नीचे ट्री के नीचे, वो उनके पॉट्स हैं। ठीक है, उन पॉट्स को काउंट करना है और उनका आंसर जो है यहाँ पे देखना है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। डैश इज क्राइंग, कौन
कौन रो रहा था, ठीक है? आपको अच्छा से पता है, मैं नहीं बता रही। डैश इज क्राइंग, कौन रो रहा है, ठीक है? इसको यहाँ पे उसका नेम लिखना है। डैश इज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ठीक है? ट्री से क्या चीज़ गिर रही है वो भी आपने लिखनी है, आपको अच्छे से पता है। द विंड डैश, हवा क्या करती है, हवा जारी बात है चलती है, और उसके लिए एक वर्ड बताया गया, ब्लो, ठीक है? द विंड ब्लोज, ठीक है? द लीफ डांसेस अप एंड डाउन, डैश एंड राइट, तो क्या होगा, यहाँ पे डाउन है तो साथ इसका एप लगाएगा, और डैश और राइट है तो लेफ्ट एंड राइट। राहिला डैश अप द लीफ, राहिला लीफ को क्या करती है, क्या पिक अप, सॉरी द राहिला पिक अप द लीफ, ठीक है बेटो? पेज नंबर 16 लकी लीफ की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। वर्किंग विद वर्ड्स, वर्किंग विद वर्ड्स, लर्न द राइम, ये राइम है बेटा, इसको आपने याद करना है। कॉपी इट इंटू योर नोटबुक, इसको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। ड्रॉ सम पिक्चर्स, ये इसमें जो जो चीज़ों का जिक्र हो गया आप इसकी प्यारी प्यारी सी कुछ पिक्चर्स भी बना सकते हैं, ठीक है? वन टू बकल माय शू, वन टू बकल माय शू, थ्री फोर नॉक एट द डोर, फाइव सिक्स पिक अप द स्टिक, सेवन एट ले देम स्ट्रेट, नाइन टेन अ बिग फैट हैन, ठीक है? बहुत प्यारी सी है पोइम जो है वन टू के हिसाब से, और इसके जो है राइम जो है वन टू बकल माय शू, ठीक है? बहुत ही प्यारी सी इसकी यहाँ जो है राइम बनती है, यानी इसका सुर बनता है, तरनम बनता है। थ्री फोर नॉक एट द डोर, फाइव सिक्स पिक अप द स्टिक्स, सेवन एट ले देम स्ट्रेट, नाइन टेन अ बिग फैट हैन, ठीक है? आपने इसको बार बार पढ़ना है ताकि आपको ये ज़बानी भी याद हो जाए, और इसको आपको जो है जो अंदर वर्ड्स हैं, बकल जैसे हो गया, नॉक हो गया, पिक हो गया, स्टिक्स हो गया, स्ट्रेट हो गया, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो वैसे देख के भी अच्छे से पढ़ने आ जाएँ, ठीक है बेटा? आगे हम एक्सरसाइज सी की तरफ चलते हैं, लर्निंग अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है? लैंग्वेज में बेटा प्रीपोजिशन के हम सिर्फ चार वर्ड्स का यूज़ जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे है वर्क इन पेयर्स, पेयर्स तो बेटा अभी घरों में मुश्किल हो रहा है। मेक सम क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर्स, ठीक है? यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्सेस बिलो। अब ये देखिए बहुत प्यारी सी पिक्चर जो है हमें दिखाई गई है यहाँ पे। आपने प्रीपोजिशन को यूज़ करना है और आप खुद से कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिए, हाउ मेनी डैश आर देयर डैश, ठीक है? अब ये देखिए प्रीपोजिशन के ये वर्ड्स हैं इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एट द साइड ऑफ, ठीक है? ये वर्ड्स दिए गए, इन वर्ड्स ये प्रीपोजिशन के वर्ड हैं, और इन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है और कुछ जो है क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे कि अब हम बनाते हैं कि हाउ मैनी, जैसे हाउ मैनी से उन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि हाउ मैनी सैक्स, इसको सैक्स भी कहते हैं और बैग्स भी कह सकते हैं, ठीक है? हाउ मैनी बैग्स आर देयर बिहाइंड द कार्ड, ठीक है? बिहाइंड द कार्ड यानी ये कार्ड के पीछे पड़ी हुई है, तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन हमारा इस तरह से बन सकता है, ओके? हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, ठीक है? हाउ मैनी बर्ड्स आर ऑन द ट्री, बिहाइंड का भी हो गया, ऑन का भी हो गया। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर इन द कैरेज, ठीक है? ये कैरेज हो गया, या इसको ट्रक भी कह सकते हैं, इसको लोडर भी कह सकते हैं, ठीक है? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द ट्रक, ठीक है? इन हो गया, ऑन हो गया, बिहाइंड हो गया। आगे जो देखें, हाउ मैनी क्या नाम है, हाउ मैनी बर्ड्स आर इन फ्रंट ऑफ आर ट्रक, ठीक है? इसके सामने है, या इसे ये भी कह सकते हैं, हाउ मैनी पुलिसमैन आर देयर इन फ्रंट ऑफ आर ट्रक, ट्रक के सामने पुलिसमैन कितने हैं, ठीक है? हाउ मैनी गर्ल्स आर एट द साइड ऑफ द ट्रक या एट द साइड ऑफ द ट्री, ठीक है? हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर एट द साइड ऑफ द ट्री, बहुत आसान है, बहुत प्यारे से क्वेश्चन है। आप डिफरेंट भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पिक्चर उसमें बनाएं, लेकिन आप खुद से भी बना सकते हैं। खुद से थोड़ा सा करना है ताकि आपकी माइंड रिफ्रेश हो जाए और आपकी जो पिछले जो हमने वो किए में प्रीपोजिशन वो आपकी रिवाइज हो जाए, ठीक है? आगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये बेटा ज़्यादा बोलने का काम है, तो एक एक वर्ड लिखना है। लिसन अ साउंड एंड रिपीट देम अलाउड, से द वर्ड, सी एल से वर्ड्स बनाए गए हैं, बहुत प्यारी सी एक्सरसाइज है। सी एल, क्लैप, क्लिप, क्लास, और यहाँ बेटा आपने जो कुछ वर्ड बनाने हैं, देखिए फोर पिक्चर्स दी हुई हैं, क्लॉक, स्लीपर, फ्रॉक या ड्रेस और चेयर, ठीक है? तो अब आपने देखना है कि सी एल से जो क्या वर्ड बना है, क्लैप, क्लिप, क्लास,
तो क्या हमारा वर्ड आएगा यहाँ पे, सॉरी आएगा, हाँ नेम आएगा क्लॉक, ठीक है, क्या आएगा क्लॉक, सी एल से बना है तो सी एल ओ सी के क्लॉक, आगे एस एल से है स्लैम स्लैप स्लो, तो अब कौन सा वर्ड आएगा बेटा, स्लीपर, ठीक है, क्या वर्ड आएगा स्लीपर, स्लीपर नाउन का नेम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। सी एच से साउंड आ रही है, उसके वर्ड हमने बनाने हैं चिप चिम चेक, और अब क्या बनाना है चेयर, ठीक है, हमारे पास क्या है सी एच का क्या लफ्ज बड़ा है वहाँ पे हमारे चेयर, ओके, आगे है डी आर से ड्रॉप ड्रीम ड्राई, और ये क्या है हमारे पास ड्रेस, तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है ड्रेस, ठीक है। अगला बहुत आसान है बेटा, रीड द नंबर्स अलाउड, ये आपने पढ़ने हैं ऊंचे से, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। और आप भी आगे जो देखना है, काउंट द आइटम इन द बॉक्सेस ऑन द पेज 18 एंड राइट देम नंबर्स इन वर्ड्स कलर द पिक्चर्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये आपने पिक्चर्स जो है वो काउंट करनी है, ठीक है, ये पिक्चर्स जो पड़ी है ये वाली आपने काउंट करनी है, और इनका जो है नंबर्स में काउंटिंग जो है नंबर्स में लिखनी है, और इन पिक्चर्स को जो है वो आपने कलर करना है, ठीक है बेटा। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। अल्लाह हाफिज़।